नन्हे फरिश्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF का एक ऐसा अनोखा अभियान जिसके तहत पिछले 7 साल में रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों से 84,119 बच्चों को गलत हाथों में जाने से बचाया गया। एक ऐसा अभियान जिसने घर से भागे हुए और लापता बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई है। तो आइए जानते हैं नन्हे फरिश्ते अभियान से जुड़ी कुछ जरूरी बातें रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज से। केंद्र सरकार की रेल मंत्रालय ने 2018 में बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए नन्हे फरिश्ते अभियान की शुरुआत की थी। पहले वर्ष यानी 2018 में RPF ने नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत कुल 17,112 पीड़ित बच्चों को बचाया, जिसमें 13,187 की पहचान घर से भागे हुए बच्चों के रूप में की गई, 2,105 बच्चों की पहचान लापता पाई गई, 1,091 बच्चे बिछड़े हुए, 400 बेसहारा, 87 चुराए हुए, 78 मानसिक रूप से विकलांग और 131 सड़क पर रहने वाले बच्चे थे। अब एक बार सोच कर देखिए, अगर ये अभियान नहीं चलाया गया होता तो कितने ये बच्चे अपने परिवार से बिछड़ जाते। ऐसी ही बारीकियों पर कार्य करती है हमारी केंद्र सरकार। 2018 में चलाए गए इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 2019 में RPF ने कुल 15,932 बच्चों को बचाया, जिसमें 12,708 घर से भागे हुए बच्चे, 1,454 लापता और 1,036 बच्चे बिछड़े हुए, 350 बेसहारा, 56 चुराए हुए, 123 मानसिक रूप से विकलांग और 171 सड़क पर रहने वाले बच्चे थे। अब आता है वर्ष 2020, जो कि कोरोना महामारी के चलते बेहद ही चुनौती भरा रहा, जिसने नॉर्मल लाइफ को तो बाधित किया ही, साथ ही इसका प्रभाव ऑपरेशंस पर भी देखा गया। मगर इस वर्ष भी कोरोना महामारी जैसी बड़ी चुनौती के बावजूद भी RPF 5,011 बच्चों को बचाने में सफल रही। वर्ष 2021 में RPF ने अपने बचाव अभियान में 11,907 बच्चों को बचाया और इस वर्ष पाए गए और संरक्षित बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 9,601 बच्चे घर से भागे हुए, 961 लापता, 648 बिछड़े हुए, 370 बेसहारा, 78 चुराए हुए, 82 मानसिक रूप से विकलांग और 123 सड़क पर रहने वाले बच्चे थे। वर्ष 2022 में RPF ने कुल 17,756 बच्चों को बचाया, जो कि रिकॉर्डेड पीरियड में सबसे अधिक है। इसमें 14,603 बच्चों की पहचान घर से भागे हुए बच्चों के रूप में हुई, 1,156 लापता, 1,035 बिछड़े हुए, 384 बेसहारा, 161 चुराए हुए, 86 मानसिक रूप से विकलांग और 212 सड़क पर रहने वाले बच्चों के रूप में की गई। वर्ष 2023 में RPF 11,794 बच्चों को बचाने में सफल रही, 8,916 बच्चों की पहचान घर से भागे हुए बच्चों के रूप में हुई, 986 लापता, 1,055 बिछड़े हुए, 236 बेसहारा, 156 चुराए हुए, 112 मानसिक रूप से विकलांग और 247 बच्चों को सड़क पर रहने वाले बच्चों के रूप में, जिससे साफ साफ पता चलता है कि RPF ने लापता बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे निरंतर जारी रखा। RPF द्वारा नन्हे फरिश्ते अभियान को इस वर्ष भी जारी रखा गया और 2024 के पहले 5 महीनों में RPF ने 4,607 बच्चों को बचाया है, जिसमें 3,430 बच्चों की पहचान घर से भागे हुए बच्चों के रूप में की गई। लापता और बेसहारा बच्चों को बचाने का कार्य निरंतर ही किया जा रहा है। केवल यही नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे ने 135 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। जब रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा किसी बच्चे को बचाया जाता है तो उसे जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है, जो बच्चे को उसके माता पिता को सौंप देती है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल में पीड़ित बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी है। ये ऑपरेशन नई चुनौतियों के अनुकूल होने और भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास करते हुए विकसित हो रहा है। नन्हे फरिश्ते सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये उन हजारों बच्चों के लिए जीवन रेखा है जो खुद को मुश्किल भरी परिस्थितियों में पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 7 सालों में RPF अपने इस ऑपरेशन में निरंतर कार्य करते हुए सबसे आगे रहा है। धन्यवाद।